हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के एग्जांपल। एग्जांपल्स करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रेशन 10x। हमने इंटीग्रेशन 10x इंटू dx अभी तक नहीं पढ़ा है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये जितने भी हम अभी 4-5 फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं उनको हमें डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला याद करना होगा, तो अच्छे से समझेंगे इनको। तो सबसे पहले हम 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू dx। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि, तो उसे सॉल्व करते हैं। इसको मान लेंगे, माना cos x इज इक्वल टू t, नीचे वाले फलन को मैं t मान रहा हूँ, तो इसका क्या करेंगे अब अवकलन करने पर x के सापेक्ष कितना आ जाएगा cos x का -sin x इंटू dx इक्वल टू dt। बस भाई, तो sin x इंटू dx क्या मिल जाएगा हमें, -dt। तो ऊपर वाला जो था हमारा sin x इंटू dx वो हमारा क्या बन जाएगा, -dt, जिससे हमारा वेरिएबल भी क्या बन गया, सेम बन गया। तो इंटीग्रेशन cos x की जगह पे हम t लिखेंगे तो आएगा 1/t। बस भाई, और sin x इंटू dx की जगह पे -dt, तो -dt। इंटीग्रेशन करना है 1/t का, 1/t का होता है log mod t, तो -log mod t + c, और t का जो भी वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। t का वैल्यू कितना है, cos x + c। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, क्या इंटीग्रेशन 10x इंटू dx इक्वल टू होता है -log mod cos x + c, तो इसे हम याद रखेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो इसमें मैं क्या सकता हूँ, लिखते हैं cos x + c। तो यहाँ क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी है n log m = log m का पावर n, तो जो आगे जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या होता है, पावर में चली जाती है। तो यहाँ पे आगे क्या है, -1, तो -1 क्या होगा, पावर में चला जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा log mod cos x का होल इनवर्स + c। ये इम्पोर्टेंट है, cos इनवर्स x नहीं होगा, cos x का होल इनवर्स होगा, और cos x का होल इनवर्स होता है 1/sec x + c, सॉरी 1/cos x + c, और 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x, तो लिखेंगे log mod sec x + c। तो ये दो आ गए, ठीक है ना। यानी इंटीग्रेशन 10x इंटू dx इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं -log mod cos x + c और log mod sec x + c, ठीक है, इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे। अच्छा, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कभी लिखते हैं कोई आंसर लिखते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx लिखते रहे हैं, तो हम इसको लिखते हैं log x + c। हम कभी कभी यहाँ पे मॉड नहीं लगाते, तो मॉड ना लगाने का बस एक ही रीज़न है, क्योंकि ये नॉन होता है कि इसके पास में n = x के log के पास में ये जो भी वैल्यू है, एक तो इसका बेस है log का और एक नंबर है यहाँ पे, तो ये दोनों जो वैल्यू होती हैं ये हमेशा होती हैं पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि लोगों को कैसे लोग पसंद हैं, पॉजिटिव लोग, तो इसलिए लोग के पास हमेशा क्या बैठता है, पॉजिटिव वैल्यू बैठता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मॉड कभी कभी नहीं लगाते, क्योंकि वो नोन है कि वो पॉजिटिव होगा। बात समझ भाई, तो कॉपी करेंगे इसको, अगर नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cot x into dx, इसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे, अभी देखते हैं। इंटीग्रेशन इसे मैं लिख सकता हूँ cos x / sin x into dx, ठीक है। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन f'x / f(x) into dx इज इक्वल टू log mod f(x
प्लस सी, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लग जाएगा ये फॉर्मूला, नीचे क्या है फंक्शन साइन एक्स, ऊपर इसका एफ डेस एक्स क्या है कॉस एक्स, साइन एक्स का डी वाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो नीचे है एफ डेस एक्स, सॉरी नीचे है एफ एक्स और ऊपर है एफ डेस एक्स, तो क्या बोलेंगे इसको डायरेक्ट लॉग मॉड एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस सी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स का, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट हम sec x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो sec x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमेशा एक बात याद रखनी है, वो मैं अभी यहाँ पे करेंगे तो लिख देता हूँ, I is equal to integration sec x into dx। जब भी हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हमें बस एक काम करना है सबसे पहले कि हम sec x plus tan x से भाग तथा गुणा करने पर, कहाँ पर अंश बटा हर में, अंश और हर में, तो लिख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन sec x into sec x plus tan x अपॉन sec x plus tan x into dx, बस समझ भाई। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, या फिर हम चलो मान के कर देते हैं सब उसे मेथड से, माना sec x plus tan x is equal to t, मैंने इसे क्या मान लिया t मान लिया, तो अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा sec x का हो जाएगा sec x into tan x, और tan x का कितना हो जाएगा sec square x is equal to t का कितना हो जाएगा dt upon dx, बस समझ भाई। तो ऊपर यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा sec x, अंदर क्या बचेगा tan x plus sec x, और dx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू क्या मिला हमें dt, ठीक है। तो अब ऊपर वाला जो पार्ट था हमारा वो किस में चेंज हो गया, हमारे वेरिएबल dt में चेंज हो गया, और नीचे वाला पार्ट हमने पहले अलग वेरिएबल बना लिया था t, तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या बन गया sec x plus tan x पे लिखेंगे हम t, तो हो जाएगा 1 अपॉन t और sec x इंटू में sec x plus tan x इंटू dx इंटू डी एक्स, क्या बन गया हमारा डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x का log mod x, और x की जगह पे क्या है t, और t का वैल्यू जो भी है वो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा log mod sec x plus tan x plus c। तो एक तो हमारा आ गया ये इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट एक और भी आ सकता है इसमें फॉर्मूला, क्या यदि हम इस sec को और इस tan को sin और cos के रूप में चेंज कर देते हैं, तो देखेंगे क्या मिलेगा log mod sec x हो जाएगा 1 upon cos x, क्या हो जाएगा 1 upon cos x plus tan x क्या हो जाएगा sin x upon cos x, sin x upon cos x plus c, ठीक है। LCM लेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, नीचे आ जाएगा cos x, ऊपर आ जाएगा 1 plus sin x प्लस सी, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू हमें अभी फाइंड करना है, कॉस एक्स का तो फॉर्मूला हमारा कॉस 2 थीटा वाला लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का 1 प्लस साइन एक्स का जो वैल्यू है वो देखते हैं क्या निकलता है। मैं इस 1 को लिख सकता हूँ जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 तभी होगा जब ये दोनों एंगल क्या होंगे समान होंगे इक्वल होंगे। अगर मैं इनको 2x लिख दूं यहाँ पे x की जगह पे तो भी इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैं इस 1 को लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, इसका मतलब अभी भी यहाँ पे थीटा क्या है समान है, तो इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है ना। साइन x को मिल सकता हूँ साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। और इसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू है ये हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा लॉग 1 प्लस साइन एक्स जगह पे आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का
होल स्क्वायर, और कॉस एक्स को कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। बसवन भाई नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस, अच्छा यहाँ पे देखो कॉस एक्स है तो ये कॉस एक्स बाई टू आएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं एंगल हाफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा एक्स बाई टू, इधर होता टू एक्स तो इधर होता एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस क्या आ जाएगा सी। तो ये जो प्लस वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर लॉग मॉड, अच्छा यहाँ तक आप देखो कॉपी करो, मैं इसको रफ करके फिर ऊपर सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है ना, कॉपी करेंगे। ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो ऊपर से मैं cos x by 2 कॉमन लूँगा और नीचे से भी मैं क्या लूँगा cos x by 2 कॉमन लूँगा, तो लेते हैं एक बार। तो ऊपर से मैंने लिया cos x by 2 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे एक, ये कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा एक, और यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ तो है नहीं cos x by 2, तो कॉमन अगर है नहीं तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x by 2 साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या बन जाएगा टेन एक्स बाई टू। ऐसे ही हम नीचे से क्या करेंगे कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे और यहाँ बन जाएगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू मॉड प्लस सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास लॉग मॉड वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। और ये अच्छे से दिख रहा होगा टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू को मैं टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूँ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू अभी बताएंगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये भी हमारा क्या हो गया एक फॉर्मूला हो गया, जैसे sec x एक ये होता है और एक ये होता है, तो ये दोनों ही हमें याद रखने हैं। तो इसे आप कॉपी कर लेंगे एक बार, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना। तो अभी पीछे हमने एक वैल्यू लिखी थी कि टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, तो ये कैसे आ रही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको खोल लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा टेन ए यानी tan a मतलब tan पाई फोर माइन प्लस tan b, तो प्लस tan b कितना x बाई टू अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में tan पाई बाई फोर का वैल्यू होता है 1, तो tan पाई बाई फोर की जगह पर हम लिख देंगे 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन एक्स बाई टू, और 1 इंटू टेन एक्स बाई टू कितना होता है टेन एक्स बाई टू। तो इस तरीके से वैल्यू आती है, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, तो जैसा हमने सेक एक्स में किया था सेक एक्स प्लस टेन एक्स उसमें किया था, तो इसमें हम करेंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, देखते हैं कैसे। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा तथा भाग
देन ए कॉस। तो इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको, मान लेंगे माना कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस माइनस कॉट एक्स कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी का करेंगे तो एक्स के सापेक्ष डी ए डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारे पास कोसेक एक्स क्या आ रहा है कॉमन, तो कोसेक एक्स निकाल लेंगे बाहर, अंदर आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाली टर्म हमारी क्या बन गई डी टी बन गई, ठीक है ना, और इसको हमने क्या माना टी, तो हमारा नया इंटीग्रेशन क्या बन के आया वन अपॉन टी इंटू डी टी, ठीक है, और वन अपॉन टी का कितना होता है लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी का वैल्यू जो भी था वो हम पुट कर देंगे, टी का वैल्यू था कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, अगर मैं कोसेक एक्स और कॉट एक्स को साइन कॉस के रूप में अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो देखते हैं क्या मिलेगा, ये हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स को मैं लिख दूंगा वन अपॉन साइन एक्स, और कॉट एक्स को हम लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस आ जाएगा सी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा लॉग मॉड एलसीएम मिलेंगे तो मिलेगा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी साइन एक्स प्लस सी, और वन माइनस कॉस एक्स हमने एक फॉर्मूला देखा था, समझाए थे कुछ फॉर्मूले, तो वन माइनस कॉस एक्स कितना होगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को हम खोल देंगे साइन टू एक्स वाले फॉर्मूले से तो हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू और प्लस सी। तो यहाँ से देखेंगे टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है और साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये भी हमारा एक आंसर आ गया। तो हमारे जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स उसको मैं बोल सकता हूँ लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी, या फिर लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो याद रखेंगे इनको, ठीक है, फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक एक्स को साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट वन अपॉन कॉस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने हैं क्योंकि इसको हमें उस फॉर्म में चेंज करना है जिसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो और हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू एक्स का, वन प्लस कॉस एक्स का टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एंगल हमारा यहाँ पे हाफ हो जाएगा। और तो इसको लिखते हैं हम इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, अब देखो यहाँ पर नीचे कॉस एक्स है तो नीचे वाला जो कॉस एक्स है इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना है किस रूप में कि मैं इसको साइन में चेंज कर सकूँ। अच्छा, इसको हम साइन में क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि साइन में चेंज कर देंगे तो साइन को अगर मैं मान लूँगा टी तो जो ऊपर वाला जो कॉस एक्स है वो मेरा डी टी में चला जाएगा। तो हमेशा मुझे याद रखना है कि यदि मेरा ऊपर कॉस एक्स है तो मैं नीचे साइन एक्स बनाने की कोशिश करूं, और यदि ऊपर साइन एक्स है तो नीचे मैं कॉस एक्स बनाने की कोशिश करूं, जिससे क्या मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर मैं कॉस एक्स को कॉस टू बीटा वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहीं से निकाल लूँ कॉस एक्स का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ये वन को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा, सॉरी मुझे साइन के रूप में करना है तो आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू
dx. आगे सॉल्व करेंगे इसको तो मुझे मिलेगा अंडर रूट टू, ऊपर मिलेगा इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन, नीचे मैं ऐसे ले सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस, अच्छा इसको मैं ले सकता हूँ अंडर रूट टू साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर कूपन करेंगे तो अंडर रूट टू क्या बनेगा टू, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू क्या है मेरे पास डी एक्स, बस समझ भाई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं अंडर रूट टू साइन एक्स बाई टू को टी मान रहा हूँ, माना अंडर रूट टू साइन एक्स बाई टू इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट टू को तो ऐसे ही रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन बाई टू इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया कॉस एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बात नहीं अंडर रूट टू से ये अंडर रूट टू टाइम्स कर जाएगा। तो ऊपर क्या था मेरे पास कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, तो अच्छा इसको मैं ऐसा ना करके इस अंडर रूट टू को यहीं रहने देता हूँ, और ये जो नीचे यहाँ पे टू था इसको मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ, तो इस पूरे का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा टू डी टी, तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऊपर क्या लिखना है मुझे टू डी टी, बस नहीं अपॉन नीचे अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा वन माइनस, इसे मैंने क्या माना था टी, तो वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर कितना होता है पढ़ा हमने साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा टू, तो ऐसे ही रहेगा मतलब टू जो कॉन्स्टेंट टाइम है उसको मैं बाहर ले लूँगा, और वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको मैं ले सकता हूँ टू इंटू साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू ये रहा अंडर रूट टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कॉपी करेंगे इसको, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के ऊपर हैं उन पर बेस्ड हैं, तो देखते हैं हमको किस तरीके से हमको करना है। तो एग्जांपल ले नंबर ले लेते हैं हम 13 का, फर्स्ट लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx, ठीक है। तो हम सबने फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 cos a cos b हमने पढ़ा है, 2 cos a b, 2 cos a cos b होता है cos a plus b plus cos a minus b, तो इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद होने ज़रूरी हैं, हमारे पूरे सिलेबस में काम आने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम याद कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू cos 4x इंटू dx, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन cos a प्लस बी का मतलब हो गया 3x प्लस 4x, और 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, क्या मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 4x प्लस cos a माइनस बी का मतलब क्या होगा 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन क्या मिला मुझे cos 7x प्लस cos माइनस x इंटू डी एक्स, और सबको पता होगा cos माइनस x होता है cos x, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एंगल है माइनस x ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन cos 7x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, बस भाई cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, तो sin x की जगह पे आ जाएगा 7x, अब क्योंकि ये रैखिक समीकरण है लीनियर इक्वेशन है इसलिए जो भी कोफिशिएंट होगा इसका उसको मैं रेसिप्रोकल करके या 1 अपॉन करके नीचे लिख देता हूँ, तो नीचे आ जाएगा 7 प्लस cos x कितना हो जाएगा sin x प्लस आ जाएगा c, तो
इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हो जाएंगे। वो फॉर्मूले हमें याद होने बहुत ज़रूरी हैं, उनको याद करेंगे जल्दी से जल्दी। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है वो हमें देखना है, फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, हो जाएंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट 13 का सेकेंड है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये एक ही फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है कॉस टू थीटा। अगर कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला से फाइंड करूँगा, कितना हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, बात समझ में आई। और यदि मुझे साइन स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, बात समझ में आई। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, कॉस 2 थीटा वाले फार्मूले से, ठीक है ना। तो इसमें फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx। तो 1 बाई 2 हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू dx। तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस, अच्छा कॉस x का कितना होता है साइन x, तो साइन x बाई साइन x जगह पर 2x, और इसका जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा 2, और ये प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपी करेंगे इसको। एग्जांपल नंबर 13 का थर्ड है, इंटीग्रेशन cos qx इंटू dx। तो देखो cos qx चाहिए या फिर आपको चाहिए sin qx, तो ये इन दोनों का वैल्यू निकलता है sin 3x और cos 3x वाले फॉर्मूले से। तो sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। तो यदि मैं यहाँ से sin qx अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ, sin qx यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, ठीक है ना। और यदि cos 3x मुझे cos का पावर 3x से यदि मुझे चाहिए तो cos 3x वाले फॉर्मूले से, और cos 3x हो जाएगा 4 cos qx माइनस 3 cos x। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, cos 3x, तो कितना हो जाएगा ये cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, बात समझ में आई। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो cos qx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इंटू dx। तो 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx प्लस 3 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन cos x इंटू dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन cos x कितना होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin 3x बाई 3 गुणांक अपन करके डाल देंगे प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, cos x हो जाएगा sin x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और भी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 का फोर्थ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस का पावर 4 साइन का पावर 4x साइन का पावर 4x इंटू dx, ठीक है। तो कॉस का पावर 4x हो या साइन का पावर 4x हो, एक ही मेथड है इनको करने का इस तरीके से। तो साइन की पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर x का वैल्यू हमने अभी देखा कितना होता है, 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो स्क्वायर खोलेंगे, दोनों पे लगा देंगे स्क्वायर, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना मिलेगा,
वन माइनस प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब वापस यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म मिल रहा है, इसका फॉर्म मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स का, एक्स की जगह पे क्या है टू एक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वापस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे और कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो अप्लाई करेंगे, ध्यान से गलती नहीं करनी इसमें, इंटीग्रेशन वन प्लस इसकी जगह पर लिखेंगे हम, अच्छा यहाँ पर कॉस यहाँ पर एक्स होता है तो यहाँ पे टू एक्स होता है और यहाँ पे क्या है टू एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फोर एक्स, बस वही ना। यदि यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ डबल है इसका 2x, यदि यहाँ पे 2x होगा तो वहाँ डबल होगा कितना हो जाएगा 4x, तो 1 प्लस कॉस 4x बाई नीचे 2 ही रहेगा 2, ठीक है ना। और इसका क्या है होल स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर नहीं है, ये है प्लस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4, अच्छा इंटीग्रेशन या फिर 1/4 का आप मल्टीप्लाई, 1/4 को आप बाहर रहने दो, इसको हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 होता है x प्लस 1/2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, प्लस कॉस का होता है साइन, ये हो जाएगा 4x अपॉन 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 कॉस का हो जाएगा साइन 2x बाई 2 इंटू आ जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इसका यदि मैं फाइनल आंसर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 4 प्लस ये हो जाएगा 1/8 यानी x बाई 8 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा 16 है ना, साइन 4x बाई 8 नहीं 32 हो जाएगा 32 और माइनस ये हो जाएगा साइन 2x बाई 4 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 लेंगे तो 2x प्लस एक्स प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी, तो ये हो गया 3x बाई 8 प्लस साइन 4x बाई 32 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी करेंगे इसको। स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो हमने क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स यहाँ किए हैं आप उनका घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले आप याद करोगे अच्छे से। फॉर्मूले याद करना इतना टफ नहीं है लेकिन उनको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उनको अच्छे से याद रखेंगे, एक शीट बना लेंगे उस पर अपन फॉर्मूले लिख लेंगे और उनको अच्छे से याद करेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।